मेरी आवाज़ में थोड़ी खराश थी। पापा ने सर को दिखाया और सर ने मेरा ऑपरेशन किया। मेरी आवाज़ ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। अब अच्छे लग रहा है आपको? यस सर। आपको ऑपरेशन के टाइम पे डर नहीं लगा? नो सर। नहीं लगा? आपको हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम हुई? नो सर। एक MLS सर्जरी किया। इस MLS सर्जरी में ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि बाहर से कहीं चीर फाड़ टाँका पट्टी दर्द निशान ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ये डर होता है कि मेरे बच्चे के तो चीरा आ जाएगा, निशान आ जाएगा। ये एंडोस्कोपिक दूरबीन से होता है और तुरंत दूसरे दिन से उसी टाइम बच्चे की आवाज़ नॉर्मल हो जाती है। हाय फ्रेंड, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों आज हमारे साथ एक ट्विंकल, एक मास्टर हिमांशु, बड़े चंचल हैं। हमने इनका जो है वॉइस की प्रॉब्लम थी, MLS सर्जरी की थी, बट मैं आपको सर्जरी के बारे में डिटेल बताऊंगा। बट सबसे पहले तो हम ये मास्टर जो चैंपियन है इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जर्नी देखो, ये बताएंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम थी और कैसे फील कर रहे हैं। बेटा बताओगे? मेरा नाम हिमांशु है। मेरी आवाज़ में थोड़ी खराश थी। अच्छा। पापा ने सर को दिखाया और सर ने मेरा ऑपरेशन किया। मेरी आवाज़ ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। अब अच्छे लग रहा है आपको? यस सर। आपको ऑपरेशन के टाइम पे डर नहीं लगा? नो सर। नहीं लगा? आपको हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम हुई? नो सर। अच्छा, अब आपकी आवाज़ अच्छे है? यस सर। खुश हो आप? दोस्तों ये इसकी जर्नी इनके जो फादर हैं उनसे पूछते हैं कैसा क्या था इनका। बताओगे सर आप बच्चे के बारे में? हाय फ्रेंड्स, ये मेरा बेटा है हिमांशु जांगिड, 7 ईयर्स। और पिछले करीबन 6 महीने से इसकी आवाज़ दबी हुई थी, यानी जैसे गला बैठ जाता ना, और बिल्कुल शाम होते होते आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती थी। फिर मैंने ENT कई हॉस्पिटल के अंदर कॉन्टेक्ट किया। लास्ट में मुझे यहाँ दूरबीन हॉस्पिटल में मैंने सर से कॉन्टेक्ट किया, तो इनका जो बात करने का और अपने को पेशेंट को सेटिस्फाई करने का जो तरीका था वो बिल्कुल सही लगा। फिर मैंने यहाँ पे MLS सर्जरी करवाई और आज 1 महीना हो गया बच्चे को। इनकी आवाज़ बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल क्लियर हो गई है और हम बच्चा और हम पूरी फैमिली पहले की तरह बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। दोस्तों ये जैसे सर बता रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है जिसको हम वोकल नोड्यूल बोलते हैं, यानी चेंज इन द वॉइस। तो जैसे अगर बच्चों में या बड़ों में कई बार आवाज़ का चेंज होता है, तो कई बार क्या है, बोलने का जो हमारे वोकल नोड्यूल होता है उस पर क्या है, दाना बन जाता है या कई बार सिस्ट बन जाती है, जिसको हम BT लेरिंग्स बोलते हैं। तो उसके कारण हमारे आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है, शाम तक जाते जाते और जो है वो थक जाती है आवाज़। तो ऐसे ही इस बच्चे को, क्योंकि कई बच्चे बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत बोलते हैं कई बार, तो उसके कारण दाना बन गया था। तो ये मेरे पास आए तो ये क्या है, खुद भी क्या है, बच्चा कम बोलता है क्योंकि उसकी आवाज़ साफ नहीं आती। फिर हमने इसका एक MLS सर्जरी किया। इस MLS सर्जरी में ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि बाहर से कहीं चीर फाड़ टाँका पट्टी दर्द निशान ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ये डर होता है कि मेरे बच्चे के तो चीरा आ जाएगा, निशान आ जाएगा। ये एंडोस्कोपिक दूरबीन से होता है और तुरंत दूसरे दिन से उसी टाइम बच्चे की आवाज़ नॉर्मल हो जाती है। तो ये हमेशा के लिए, आगे के लिए क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि बार बार इस सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे बच्चे मास्टर को भी इसका प्रॉब्लम थी, हमने सर्जरी की। अब आप ये देखो, खुद बच्चा जो ये बता रहा है कि मैं अब ठीक हूँ। तो इसलिए क्या, हमें एक चीज़ का लेसन लेना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत क्या है कि यस, हमें इलाज कराना चाहिए, बट अच्छी टेक्निक से, जहाँ सारी साधन सुविधाएँ जैसे होनी चाहिए, जिससे हमारा बेस्ट जो है वो रिजल्ट आ सके। एंड थैंक यू सर, आपने हमारे पे फेथ किया और उसके अकॉर्डिंग हमने आपको रिजल्ट दिया। एंड गॉड ब्लेस यू बेटा, अब आपकी आवाज़ ऐसी ही रहेगी, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।